खोरीबारी के पान टैंकी में मादक पदार्थ के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गुरुवार रात को खोरीबारी थाना अंतर्गत पान टैंकी चौकी की पुलिस और एसओजी टीम ने नेपाल सीमा के पास पान टैंकी न्यू मार्केट में संयुक्त अभियान चलाकर एक संदिग्ध बाइक जब्त की। इसके बाद तलाशी के दौरान बाइक से 254 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। घटना में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम मोहम्मद रहीम और मोहम्मद अतारुल है। ये दोनों बुरागंज के किला घाटा के रहने वाले हैं। बाद में आरोपियों को खोरीबारी पुलिस को सौंप दिया गया। आज आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा। We'll be right back.